एनवायरमेंट स्टेज में आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका एनवायरमेंट का तो टॉपिक है ही, साथ ही आपके करंट अफेयर्स को भी जो कवर है करता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेंगे ताकि टॉपिक हमें और अच्छे से समझ आ सके। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जो है जारी की, सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसे कहा गया कि आप जो है दिल्ली के जो एयर पॉल्यूशन जो हर साल हम देखते हैं कि इतना बढ़ जाता है कुछ खास महीनों में जैसे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो इन दिनों में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है आपके दिवाली के पटाखों से कहें या फिर आपके पराली के जलाने से। तो जो ये दिल्ली में एयर पोल्यूशन जो हर साल ये आपकी प्रॉब्लम आती है जिसमें मेन जो आपका कारण बनते हैं पीएम 10 के अलावा जो मेन जो मुख्य कारण है वो आपका पीएम 2.5, जिसके चलते आपका दिल्ली की जो एयर है काफी पोल्यूटेड हो जाती है। इसके लिए आप कुछ जो है सॉल्यूशन ढूंढिए, और सॉल्यूशन क्या ढूंढिए, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको दिल्ली में स्मोक टावर जो है वो लगाने चाहिए। तो ये स्मोक टावर क्या है ये आज जो है हमें जानना है। तो PM 2.5 जो कि मेन कारण है आपका एयर पोल्यूशन का, जो कि आपके वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्रीदिंग करते हैं उसके साथ ही आपके लंग्स में चले जाते हैं, जिसके कारण आपको रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको कहा कि आप जो है स्मोक टावर लगाए, तो हम जानेंगे कि आखिर ये स्मोक टावर करते क्या है, किस तरह से आपके एयर जो है आपके प्योरीफाई करते हैं, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो स्मोक टावर है वो कहाँ है। तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्मोक टावर हमें अभी तक ये तो पता लग गया है कि ये ऐसे टावर होंगे जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करते होंगे, तो बिल्कुल सही है। स्मोक टावर ऐसे टावर होते हैं जिससे कि जो आपकी एयर है उसे प्योरीफाई किया जा सके। तो स्मोक टावर क्या है आपके, दरअसल ये आपके क्या होते हैं, एयर प्योरीफायर कैसे काम करते हैं। इन स्मोक टावर में जो है आपके लेयर्स में जो है इनके डिफरेंट लेयर्स बनी होती है जिसमें फिल्टर्स होते हैं, और वो फिल्टर्स जो है आपके आसपास की जो एयर है पोल्यूटेड एयर है उसे सक कर लेते हैं और जो उस एयर को फिर प्योरीफाई करके ये एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो आपके स्मोक टावर है काम करते हैं, और ये जो स्मोक टावर है आपके होते हैं डाउन लिफ्टिंग क्लीनिंग सिस्टम में मतलब क्या होगा कि ये जो स्मोक टावर होंगे मान लीजिए तो यहाँ पर 24 मीटर में क्या करेंगे, इस 24 मीटर पर ये जो आपके वो एयर जो कि आपकी पॉल्यूटेड है पॉल्यूटेड एयर को क्या करेंगे 24 मीटर पर सक कर लेंगे। उसके बाद वो पॉल्यूटेड एयर इस फिल्टर में जाके एयर जो आपका स्मोक टावर है इसमें डिफरेंट जो है फिल्टर्स बने होते हैं डिफरेंट चैम्बर्स बने होते हैं एयर को फिल्टर करने के बाद, जब ये एयर जो है पूरी तरह से फिल्टर हो जाएगी फिर इस एयर को आपको 10 मीटर की जो है नीचे अगर हम जमीन से देखें तो 10 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जो कि किस तरह की एयर होगी वो क्लीन एयर होती है आपकी प्योरीफाइड एयर जो है होती है। तो इस तरह से आपके जो है स्मोक टावर जो है लगाए इनका ये काम होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो आप एयर स्मोक टावर लगाएंगे इसके लिए आपको जो है दो टावर लगाने हैं, आप दो टावर एज अ पायलट प्रोजेक्ट लगाइए, आप उस पर पूरी रिसर्च करिए कि वो आपके कितने कारगर होते हैं कितने अच्छे से आपकी एयर प्योरीफाई करते हैं। जिसमें से कहा गया कि जो फर्स्ट टावर लगाया जाएगा वो दिल्ली में कहाँ लगाया जाएगा, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में आपका पहला स्मोक टावर लग चुका है, और दूसरा प्लान है हमारा दिल्ली में आनंद विहार के पास जो है स्मोक टावर लगाने का प्लान है। तो अभी हमारा पहला स्मोक टावर जो है इंडिया में दिल्ली में लग चुका है, और अगर पूछा जाए इन स्मोक टावर की जो हाइट है कितनी है तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट जो है लार्जेस्ट स्मोक टावर है वो आपके कहाँ है, वो है आपके चाइना में। कितनी लेंथ का आपका स्मोक टावर है तो 60 मीटर जो है आपका स्मोक टावर कहाँ है, ये है आपके चाइना में। तो ये याद रखिएगा चाइना में भी आपके स्मोक टावर लग चुके हैं जहां पे आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मोक टावर है। तो ये हमने देखा कि ये जो है इसका क्या काम है स्मोक टावर का, किस तरह से ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इन्हें लगाया जाना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि ये जो स्मोक टावर है ये बिल्ट किसके द्वारा किए गए, किसके द्वारा जो है ये आपके बनाए गए, ये टेक्नोलॉजी जो है किसने दी। तो ये जरूर नोट करिएगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टावर आपका कहाँ है, 60 मीटर चाइना में, और इंडिया में पहला जो स्मोक टावर लगाया गया है वो आपके दिल्ली में कहाँ लगाया गया है, कैनॉट प्लेस में, और दूसरा जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा आनंद विहार में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब किसने बनाया है स्मोक टावर इंडिया में, तो ये आपका जो आपका टाटा जो टीपीएल है, टाटा की जो आपकी एक कंपनी है उसके द्वारा जो है बनाया गया है, टीपीएल प्लस आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने जो है ये आपका मिलकर जो है स्मोक टावर बनाया है। एक और चीज आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आपका इंडिया में दिल्ली में भी जो है स्मोक टावर लगाए जाने चाहिए, तब आईआईटी बॉम्बे ने पहली बार जो है अपना एक जो प्रोजेक्ट है अपना सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने रखा था स्मोक टावर लगाने के लिए कि जो है हम किस तरह से स्मोक टावर जो है लगा सकते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है आपका 2 साल का जो है पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इन स्मोक टावर को लेकर कि ये आपके कितने कारगर है, कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। तो टीपीएल टाटा की जो आपकी कंपनी है, टीपीएल आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है ये स्मोक टावर बिल्ड किए गए हैं। इसका जो आप कहें कि मैनेजमेंट कौन कर रही है, तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया लिमिटेड जो है इसका मैनेजमेंट कर रही है, और इसका इस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज है आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की ये आपकी इंचार्ज है। अब हम देखें कि इसमें चैलेंजेस क्या है, अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या है इसमें, तो स्मोक टावर हमने लगा तो दिए हैं, ठीक है हम लगा देंगे, लेकिन अगर स्मोक टावर की बात करें तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब इनमें पहली बात तो खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, जो है महंगे फिल्टर इसमें लगाने पड़ते हैं। दूसरी चीज, ये जो स्मोक टावर है हमें पता नहीं है कि ये लंबे समय में जो है कितना हमें हमारी एयर को जो है प्योरीफाई कर सकेंगे, ये तो आपके 2 साल का जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम एनालाइज कर सकेंगे। तीसरी चीज, ये जो एयर हम स्मोक टावर लगा रहे हैं हमें ये मतलब ये इतने एक बहुत छोटे से एरिया को ही कवर कर पाते हैं, मान लीजिए सिर्फ 1 किलोमीटर की जो अगर एयर है उसको ये सक कर सकते हैं और जो है उस एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, तो इस तरह से तो हमें कितने ज्यादा स्मोक टावर जो है लगाने पड़ेंगे अगर ये अच्छे लगते हैं, अगर ये अच्छे से प्योरीफाई एयर को करते हैं। और बस ये चीजें थी, और लास्ट में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा 2 साल का पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कि ये जो है कितने कॉस्ट इफेक्टिव है, कितने एयर को कितने परसेंटेज में जो है ये प्योरीफाई कर पाते हैं। तो ये थे कुछ चैलेंजेस जो कि स्मोक टावर से रिलेटेड है। तो ये था पूरा स्मोक टावर के बारे में, सबसे पहले क्यों इनकी जरूरत पड़ी। सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि अगर हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन की बात करें तो 2020 में जो रिपोर्ट आई है आपकी 2020 में कि उसमें सबसे पॉल्यूटेड सिटी में आपका लगातार तीसरी बार जो है वर्ल्ड में दिल्ली का फर्स्ट जो है आपका रैंक आया है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर दिल्ली सबसे जो है मोस्ट पॉल्यूटेड जो है सिटी रखी गई है। कौन सा एक स्विस ग्रुप है उसकी रिपोर्ट में, तो स्विस ग्रुप की रिपोर्ट में लगातार तीसरे साल 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें तीसरे साल लगातार दिल्ली जो है टॉप पे बना हुआ है एयर पोल्यूशन में, जिसमें आपका मेन जो देखते हैं इस रिपोर्ट में देखते हैं कि पीएम 2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी सिटी पॉल्यूटेड है, और ये जो रिपोर्ट है अभी 2021 में आई है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये जो है आपका स्मोक टावर इंडिया में लगाए गए हैं। अगर कंपेयर करें तो 2009 के कंपैरिजन जो है अभी का हमारा PM10 देखें तो PM10 लगभग 200-300 जो परसेंटेज जो है PM10 हमारा एयर में जो पॉल्यूटेंट है वो उसकी मात्रा बढ़ी है। तो बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन हमारा पहले के कंपेरिजन इन्वायरमेंट में बढ़ चुका है, एयर पॉल्यूशन जो है आपकी उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। तो जरूरत थी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लाया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अभी इनकी डिमांड की गई थी। तो अभी ये स्मोक टावर हमारे दिल्ली में पहला लग चुका है कनॉट प्लेस में, और दूसरा लगाया जाएगा आपके आनंद विहार में। और ये जो स्मोक टावर है ये आपके पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हैं, स्टार्टिंग में 2 साल में एनालिसिस किया जा रहा है कि ये
बाद में पूरे इंडिया में लगाया जाए या ना लगाया जाए ये बाद में तय होगा, पहले हम एक सिर्फ एक सिटी से हमने शुरू किया। तो ये था स्मोक टावर। स्मोक टावर आपका एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड है क्योंकि ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो हम कवर करते हैं टॉपिक PM2 PM2.5 PM10 उसके अंतर्गत आप इसे काउंट कर सकते हैं और करंट का टॉपिक तो ये आपका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आपको वीडियो के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक जो है आपको दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।